गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की कोरोना से हुई मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की शोक संवेदना। कहा, श्रीमती कमला रानी वरुण के दुखद निधन पर उनके प्रति अर्पित करता हूँ कोटि कोटि श्रद्धांजलि। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को सिकरीगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ खदनी ने किया खुलासा, भेजा जेल। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को दिया तोहफा। 2 अगस्त से मध्य रात्रि 3 अगस्त की मध्य रात्रि तक रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में कर सकेगी निःशुल्क यात्रा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने 4 अगस्त से 10 अगस्त तक 3 थाना क्षेत्र कैंट, राजघाट और गोरखनाथ में लगाया लॉकडाउन। आवश्यक सेवाएं रहेंगी चालू। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी पर लगाए गए अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, बांटी गई राहत सामग्री। दैनिक जागरण के पूर्व छायाकार डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव उर्फ राजू केतन का रविवार को लखनऊ के पीजीआई में हुआ निधन। मीडिया जगत में शोक की लहर। गोरखपुर न्यूज चैनल परिवार ने भी दी भावभीनी श्रद्धांजलि। रविवार को गोरखपुर में पहली बार 24 घंटे के अंदर पाए गए 217 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2479। 2 नए संक्रमितों सहित अब तक 54 संक्रमितों की हो चुकी है मौत। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1477। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में विद्युत स्पर्शाघात से हुई एक व्यक्ति की मौत। सीओ कैंट ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम को, की जा रही विधिक कार्रवाई। बांसगांव थाना क्षेत्र में मार्ग दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत। पुलिस ने ट्रक के साथ चालक को लिया हिरासत में, मुकदमा दर्ज। महानगर में रक्षाबंधन पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन है सतर्क। एसपी सिटी ने कहा, सामाजिक दूरी बनाकर शांति पूर्वक मनाए रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन पर्व पर लॉकडाउन का दिखा असर। राखियों की दुकानों पर बिक्री रही फीकी, दुकानदारों में देखी गई मायूसी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आपसी भाईचारे के साथ मनाएं भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन। कैंपियरगंज सर्किल क्षेत्र में शेरनी दस्ते को कराए जा रहे कैप्सूल कोर्स प्रशिक्षण के दूसरे दिन कानून की बारीकियों के साथ साथ आत्मरक्षा के सिखाए गए गुण, अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। लॉकडाउन की वजह से भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन पर मिठाई की बिक्री रही फीकी, दुकानदारों में रही मायूसी। नदियों के बढ़ते जलस्तर से जिले में अब तक 80 गांव हुए प्रभावित, जिसमें 21 गांव मैरून की श्रेणी में हुए शामिल। जिला प्रशासन द्वारा आवागमन के लिए लगाई गई 80 नावें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का किया जा रहा वितरण। महानगर में लॉकडाउन को देखते हुए सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। एसपी सिटी ने कहा, लॉकडाउन को सफल बनाने में लोगों का मिल रहा पूरा सहयोग। और विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी के नेतृत्व में काली मंदिर पर विश्वव्यापी महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए शिव महामृत्युंजय जाप और हवन यज्ञ का किया गया आयोजन। कहा, राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ने तक चलता रहेगा हवन पूजा अर्चना।